अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आयशा जिशान और मेरे चैनल का नाम है इट्स हुरैन फातिमा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। आज का जो मेरा रिव्यू है वो है जी क्लियर क्रीम के बारे में। और क्योंकि आजकल गर्मियां हैं, गर्मियां स्टार्ट हो रही हैं, रमज़ान था, रमज़ान में लोगों ने बहुत सारे फ्राई चीज़ें हम लोग खाते हैं, यूज़ करते हैं हम फास्ट फूड का, फ्राई चीज़ों का, ड्रिंक्स का, कोल्ड ड्रिंक्स का, तो उस वजह से जो है वो एक्नी का प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोअर्स ने मुझे कहा कि जो है आप क्लियर क्रीम का रिव्यू ज़रूर दें, क्योंकि काफ़ी सारी जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो क्लियर क्रीम जो है वो लाजमी बताते हैं, जो आपकी माइनर सी जो एक्नी होती है उसके लिए। बगैर हम अपनी जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। इसकी पैकेजिंग जो है वो कुछ इस तरह से है और इसकी प्राइस की बात की जाए तो प्राइस इसकी है 184 रुपीज़। यू कैन सी दिस, 200 रुपीज़ आपके पास हो तो आपके आपको आप जो है वो ये क्रीम इजीली जो है वो बाय कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि इसको आपने लगाना किस तरह से है। ठीक है, लगाना आपने ऐसे है कि रात में आपने अपना जो फेस है उसको अच्छे से वॉश कर लेना है। देन उसके बाद आपने बिल्कुल इतनी सी जो क्वांटिटी है इसकी, मैं इसको आपको ओपन करके दिखाती हूँ क्योंकि मैंने इसको अभी तक ओपन नहीं किया, सिर्फ इतनी सी जो क्वांटिटी है आपने इसकी वो अप्लाई करनी है अपनी स्किन पे। ठीक है, इस तरीके से आपने इसकी क्वांटिटी जो है अपनी स्किन पे अप्लाई करनी है अपने। अब नेक्स्ट डे जो है, नेक्स्ट मॉर्निंग आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है किसी भी अच्छे फेस वॉश से और या किसी भी अच्छे सोप से आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल आपने नाइट में करना है। ठीक है, डे में आपने इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है बिकॉज डे में सूरज की जो है गर्मी है उसकी वजह से, और जो किचन में हम लोग जाते हैं उसमें उसमें जो किचन में गर्माइश होती है, हीट होती है, वो हमारी स्किन जो है जब हमने क्रीम कोई भी लगाई हुई हो इस तरह की कोई भी मेडिकेटेड क्रीम हम लगाते हैं तो वो हमारे लिए फिर नुकसानदेह होती है। तो बेटर है कि हम अपने इस तरह की कोई भी क्रीम यूज़ करें, अगर हम वाइटनिंग क्रीम यूज़ कर रहे हैं वो, या फिर इस तरह की कोई भी हम एक्नी या की क्रीम कोई भी यूज़ कर रहे हैं तो हम नाइट में यूज़ करें। ठीक है, उससे ये है कि आप इजीली अप्लाई करके सो जाते हो, देन आप सुबह में जो है वो अच्छे से वॉश कर लेते हो। ठीक है, आप आजकल एक्नी का प्रॉब्लम जो है गर्ल्स के साथ साथ बॉयज़ को भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, टीनेजिंग बॉयज़ में और टीनेजिंग गर्ल्स में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्लियर क्रीम को 100% रिकमेंडेड है और मैंने मैक्सिमम 2 to 3 times जो है वो इस क्रीम को यूज़ किया हुआ है और बहुत वक्फे वक्फे से, बिकॉज पहले मेरी स्किन पे बहुत सारी एक्नी हो गई थी, पिंपल्स आ गए थे। एक्नी ऐसे माइनर सी एक्नी थी, कोई सीवियर किस्म की एक्नी नहीं थी, लेकिन पिंपल्स जो थे वो बहुत बुरे लगते थे, यू नो दैट। तो मैंने ये क्रीम जो थी मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट ने जो है उसने रेकमेंड की थी, तो मैंने ये क्रीम ट्राई की। देन जब भी उसके बाद मुझे जब भी कभी पिंपल्स या एक्नी हुई है तो मैंने इसको अप्लाई किया और मेरी स्किन जो थी वो बिल्कुल साफ़ हो जाती थी। गाइस, स्टार्टिंग में जब आपकी एक्नी जो है वो बहुत ज़्यादा है, आप इसको डेली बेसिस पे यूज़ करें, देन उसके बाद 2 to 3 weeks के बाद आप इसका जो इस्तेमाल है एक दिन छोड़कर आप एक दिन कर लें। ठीक है, जैसे आपने आज लगा ली देन आप उसके बाद कल नहीं लगाएं, उसके बाद आप जो है नेक्स्ट डे आप लगाएं। ठीक है, एक दिन का आप गैप दें उसके बाद आप इसको लगाएं। ठीक है, और बिल्कुल बहुत ज़्यादा इसको आप अप्लाई नहीं करते क्योंकि आपकी कोई भी क्रीम हो आप उसकी जो है उसको आप अपनी स्किन को उसकी आदत नहीं डालिए। ठीक है, तो कोई भी क्रीम हो उसको आप 1 या 1.5 months जो है वो आप इसको अप्लाई करें, वो जो टाइम है वो इनफ होता है कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए आपकी स्किन के लिए। तो जो है मेरी तरफ से ये रेकमेंडेड है फॉर दोज जिनकी स्किन पे जो है एक्नी और पिंपल्स आ जाते हैं, आप ये अप्लाई करो, देन आप मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये क्रीम का जो रिव्यू है वो कैसा लगा। ठीक है,
तो आई होप कि आपको मेरा ये छोटा सा रिव्यू जो है वो पसंद आया होगा। और मज़ीद आप कौन सी वीडियोस देखना चाहोगे प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।